हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अभिनव चौबे फ्रॉम ग्रेस मिशन स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 6 चैप्टर नंबर 8, नेम इज़ एलजेब्रा। तो एलजेब्रा देखो, आप लोग वेरी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो और एलजेब्रा मैथमेटिक्स की इन द सेंस बोलना चाहिए वेन्स है ना, जान है। अब एलजेब्रा कोई भी क्वेश्चन, किसी भी टाइप के मिस्टीरियस क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वैल्यूज हमको नहीं पता होती और हमको फाइंड करना होता है, तो वो एलजेब्रा के थ्रू ही फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक्स बता देता हूँ, एलजेब्रा में एक्चुअल पे होता क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8 एलजेब्रा बेसिक्स। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, एलजेब्रा इज क्लासीफाइड इंटू 3 ग्रुप्स। 3 ग्रुप्स में एलजेब्रा क्लासीफाइड्स है। पहला वेरिएबल, देन कॉन्स्टेंट्स, देन एक्सप्रेशंस। एलजेब्रा इज क्लासीफाइड इंटू 3 ग्रुप्स। एलजेब्रा 3 ग्रुप्स में क्लासीफाइड है, मतलब डिवाइड है। पहला वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और एक्सप्रेशंस। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब होता है अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स मतलब ABCDEF ये जेड तक, ठीक है। वेरिएबल्स मीन्स अल्फाबेट्स। देन वेरिएबल्स के बाद क्या लिखा है? कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट मतलब नंबर्स। नंबर्स मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, क्लियर। और लास्ट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब मैथमेटिकल साइन। मैथमेटिकल साइन मतलब प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स, दैट्स इट, ठीक है। तो एलजेब्रा मेनली 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। 3 चीज़ों में क्लासिफाइड है, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट और एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब वेरिएबल का काम क्या है, कॉन्स्टेंट का काम क्या है और एक्सप्रेशन का काम क्या है, ये मैं आपको बता देता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, देखो, 4 इज एडेड टू अ नंबर गिव्स रिजल्ट 10। मतलब 4 में ऐसा कौन सा नंबर आप ऐड कर दो कि रिजल्ट कितना आ जाए? 10। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं? वो एलजेब्रा का एक्सप्रेशन है या एलजेब्रा के इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस मतलब प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना, वो इक्वेशंस कहलाते हैं। क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करते हैं। मैंने आपसे बोला क्वेश्चन है कि 4 इज एडेड टू अ नंबर, 4 में ऐसा कौन सा नंबर को ऐड कर दो कि रिजल्ट या आंसर कितना आ जाए? 10। तो जो नंबर मुझे नहीं पता, तो यहाँ हम लेते हैं सबसे पहले लेट द नंबर बी एक्स। जो नंबर मुझे फाइंड करना है वो क्या हो गया? एक्स हो गया। अब वो बोल रहे हैं 4 इज एडेड टू अ नंबर, तो वो नंबर क्या? एक्स। तो 4 को नंबर में ऐड कर दो, 4 प्लस एक्स गिव्स रिजल्ट, रिजल्ट मतलब आंसर, तो इक्वल्स टू कितना? 10। अब ये सॉल्व करके देखो। देखो अब ये सॉल्व कैसे होता है, नंबर्स वन साइड जाते हैं, है ना। ये देखो, ये वेरिएबल है, वेरिएबल अपनी जगह रहेगा और नंबर्स के पास चला जाएगा। अब नंबर्स, जब नंबर्स के पास जाते हैं तो उसमें एक चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस? ये देखो, अभी इस 4 के पास कौन सा साइन है? जब कोई साइन नहीं रहता तो प्लस का साइन आ जाता है, ठीक है। तो प्लस 4 को नंबर्स के पास ले जाना है, 4 किसके पास जाएगा? 10 के पास। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचा एक्स, यहाँ बचा इक्वल्स टू, यहाँ बचा 10। बस ये प्लस 4 को इज इक्वल टू के उस तरफ ले जा रहे हो। अगर प्लस 4 यहाँ आएगा तो प्लस ही 4 रहेगा, लेकिन अगर इज इक्वल टू के दूसरे तरफ जा रहा है, अपना साइड चेंज कर रहा है, तो साइन जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो 10 माइनस 4 कितना हो गया? एक्स इक्वल्स टू 10 माइनस 4, 6। तो जो नंबर मुझे फाइंड आउट करना है वो क्या है? 6। अब सीधे क्वेश्चन में क्रॉस चेक कर लो, 4 इज एडेड टू अ नंबर, 4 इज एडेड टू अ नंबर मतलब नंबर क्या है? 6। तो 4 इज एडेड टू 6 गिव्स रिजल्ट 10। तो टोटल कितना हो गया? 10। ओके, क्लियर। अब ये देखो एग्जांपल नंबर 2 एक बार देख लो। वो बोल रहे हैं एक कार है जो हाईवे पे चल रही है, उसकी स्पीड कितनी है? 55 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 55 किलोमीटर चल रही है। तो वो बोल रहा है आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ कार विल ट्रेवल इन एच आवर, मतलब एक घंटे में जब इतना चलेगी तो एच घंटे में कितना चलेगी? एच इंटू 55। वही कर दिया। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपको बहुत इजी समझ में आएंगे, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 4 देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
आर एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो देखो, एट मोर देन एक्स, सॉरी ये बोल रहे हैं इनको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है, एट मोर देन एक्स, मोर मतलब ज़्यादा, तो प्लस, एट प्लस एक्स या एक्स प्लस एट। सेकेंड, थ्री लेस देन वाई, तो वाई माइनस थ्री लिख दिया। देखो, फाइव टाइम्स है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो फाइव ए लिख दिया। अब एक्स डिवाइडेड बाय वाई, एक्स डिवाइडेड बाय वाई लिख दिया उन्होंने, एक्चुअल पे यहाँ पे थ्री आना चाहिए तभी तो इक्वेशन बनेगा। देखो, एक्स डिवाइडेड बाय थ्री, तो एक्स अपॉन थ्री, है ना। तो बेसिक्स आई होप इतना क्लियर होगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। सो वी विल मीट इन एक्सरसाइज 8.1। अप टू नाउ, थैंक यू।